बच्चों के ढंग के पहनने के कपड़े भी नहीं है, तो इसलिए हम इनको उनको एकदम नए वस्त्र वितरित करने के लिए हम गोदावाड़ इकाई के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज हम भोपो के बाड़े में वस्त्र वितरण करने और बच्चों को फल फ्रूट एवं ट्रॉफियाँ वितरित करने आए हैं, और ये इसलिए आए हैं कि आज गर्मी हमारे बहुत नौतपा चल रहा है और बच्चों के ढंग के पहनने के कपड़े भी नहीं हैं, तो इसलिए हम इनको उनको एकदम नए वस्त्र वितरित करने के लिए हम गोदावाड़ इकाई के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला युवा महिला संभाग की जो गोदावाड़ इकाई है उसके सानिध्य में हम ये आज का कार्यक्रम करने आए हैं। और ये कार्यक्रम हम निरंतर कुछ न कुछ किसी न किसी अन्य क्षेत्र में आंगन कच्ची बस्तियों में और गाँव में अक्सर हम ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि गाँव में इन वस्त्रों की बहुत अधिक आवश्यकता है। और यहाँ तक कि हम बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं जहाँ पे भी कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ पर हम इन बच्चों को ये वस्त्र का वितरण किया करते हैं, और ये वस्त्र बच्चे पहनकर बहुत खुश होते हैं। और मैं तो कह हमने तो ये देखा है कि वस्त्र पहन के ये अपने बड़े बड़े फंक्शन में भी रहते हैं और बच्चे की प्रसन्नता देखकर हम सब बहुत प्रफुल्लित होते हैं। मैं मधु पाटनी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री महिला महासमिति। आज श्री दिगंबर जैन महासमिति गोगावाड़ी अजमेर द्वारा मेरे वार्ड में आसपास के वार्डों के लिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है। एक छोटे से संदेश से सभी बच्चे एकत्रित हुए और जितने भी समिति के और जैन समाज के जितने भी वरिष्ठ जन आए हुए हैं यहाँ पे, उनका स्वागत करता हूँ मैं। और ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए और संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए जिससे कि हमारे शहर में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक हम आवश्यक सामग्री कपड़े वस्त्र किताबें आदि इत्यादि समय पर पहुंचा पाएँ। आज कहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया? शिव मंदिर भोपाल के बाड़े में किया गया है। विशेषकर जितनी भी आसपास की आंगनबाड़ी है उसमें जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाना सीख रहे हैं उनके लिए स्कूल यूनिफॉर्म, सॉक्स, शॉर्ट पैंट, शर्ट्स, टी शर्ट्स आदि चीज़ें बांटी गई हैं और फल भी बांटे जा रहे हैं। तो मैं सभी संस्था के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि ये पुनित कार्य आपके सहयोग से मेरे वार्ड में किया गया। बहुत बहुत आभारी हूं इन सभी का। करीबन हम 300 बच्चों का लक्ष्य रखा है जिसमें बच्चे करीबन उपस्थित हो चुके हैं यहाँ पे। 150 के करीबन अभी बच्चे आ गए और आधा घंटा और रुकेंगे, उसके बाद कपड़ों का वितरण करेंगे। नरेंद्र तुनवाल, वार्ड बासठ से पार्षद।